अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना मसाले की रेसिपी। और चना हमारे घर में रमजान में हर दिन बनता है, और इसका मैं बहुत ही क्विक और इजीएस्ट वे शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो मैंने चने को यहाँ पे भिगो के रखा था ओवरनाइट, और एक कुकर लेंगे हम, इसमें डालेंगे चने, भीगे हुए चने को। आप कुछ घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के, फिर हम डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर और एक दो हरी मिर्च आपके हिसाब से, आप जितना भी तीखा पसंद करते हो। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डाल रहे हैं हम यहाँ पे मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, और तेल थोड़ा सा, दो चम्मच लगभग बड़े चम्मच से तेल डालें। और इन सब सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चने के साथ। और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अलग से चना उबालने की या अलग से मसाला बनाने की, ये बहुत ही ईजीएस्ट और क्विक रेसिपी है। और हम इसमें पानी डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और पानी देखिए बिल्कुल लेवल के हिसाब से चलेगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा लेवल भर रहेगा और ये बहुत अच्छे से बन के आएगा। अब इसको हम 5 सीटी के लिए चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम में, और 5 सीटी आने तक हम इसको वेट करेंगे। और उसके बाद देखिएगा ये बिल्कुल ही लजीज बन के तैयार होता है, कोई झंझट नहीं है अलग से मसाला अलग से चना, ये देखिए कितना अच्छे से बन के आया है। और अगर आप मसाला कम चाहेंगे तो प्याज टमाटर मसाले की क्वांटिटी कम कर दें, प्रोसेस सेम रखें, बिल्कुल अच्छे से बन के आएगा। हम थोड़ा धनिया के साथ गार्निश करेंगे इसको और इसको सर्व करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, आप रमजान में इसको बनाइए और ट्राई कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।